Hello dear student, myself Vetha Goswami from Ma Ashapura Vidya Sampur. Today we will learn standard 9 subject Sanskrit and our chapter number 8 Kalshayanam Ko Aparadah. यह एक जो chapter है वह हमारे जो गांधी जी हैं उसके बारे में दिया गया है. जिस तरह से वैसे तो हम देखें तो इस chapter का जो meaning देखें हम काशायावन यानी व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ द सेफ्रन क्लॉथ्स. यहाँ पे देखिए तो जो भगवा रंग है इसकी क्या उसका अपराध क्या है, उसका फॉल्ट क्या है. ठीक है, आपको इतना समझ में आया. अब हम देखें कि इस चैप्टर में क्या है. तो जब काका साहेब कालकर है उन्होंने जब महात्मा गांधी के साथ काम किया तभी क्या होता है कि उसी समय वहां पे एक जो साधु है संत है वहां पे आता है. काका साहेब कालेकर वर्केड विद महात्मा गांधी, तभी क्या होता है उसके साथ कार्य करते हुए उनके साथ एक साधु एक संत आते हैं. वो क्या करते हैं, वो गांधी जी को अपने साथ साधु और संत बनने के लिए कहते हैं कि आप ये सब छोड़ के हमारे साथ आ जाए. इसके बाद यह चैप्टर में की गई है. हम देखिए तो पेज नंबर 29 में काका साहेब कालेकर वर्केड विद महात्मा गांधी फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड हैड द अपॉर्चुनिटी टू स्टे विद हिम द ट्रैवल विद हिम एंड गो टू एक्सचेंज आइडियाज फॉर हिम. महात्मा गांधी जी के साथ काका साहेब कालेकर ने बहुत सालों तक काम किया. उसी समय उनके विचार और विमर्श उनके जीवन में उतरे. तभी हम देखें तो ऑफ द मैनी इंसिडेंट्स ऑफ द पीरियड काका साहेब कालेकर हैज बिकॉज ऑफ हिज लिटरेचर पावर्स. अब यहाँ पे देखें तो गांधी जी के साथ रहकर काका साहेब कालेकर ने क्या किया, तो उनके साथ रहकर उनके बहुत ही बहुत कुछ साहित्य ऐसा लिखने का उन्हें मौका मिला. बहुत ही उन्होंने ऐसे ग्रंथ लिखे जिनके किस समय वह लिख पाए, जब भी वो महात्मा गांधी जी के साथ रहे तभी वह उसे लिख पाए. द मेन मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज दैट वन शुड नॉट अलाउ वन्स पोजिशन ऑफ बिकम इन ऑब्जेक्टिव इन प्रोसेस ऑफ सोशल सर्विस. अब यहाँ पे इस चैप्टर के हम बारे में देखें तो सेवा कार्य किस तरह से करना चाहिए और अपनी जो प्रतिष्ठा है उसे किस तरह से अच्छी तरह से देखना चाहिए उसकी बात यहाँ पे की गई है. अब यहाँ जो एक स्टोरी टाइप चैप्टर है हमारे लिए जिसमें हम देखें तो ऐसे अवसरों में जब महात्मा गांधी हैं वो क्या करते हैं, काका साहेब कालेकर को साहित्यिक प्रतिभाओं में वह दिखा रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसी तरह से जैसे कि सेवा कार्य करते समय किस तरह से हमें हमारी जो प्रतिष्ठा है उस समय हमें उसमें बाधक नहीं आनी चाहिए, उसकी यहाँ पे बात की गई है. आपको इतना समझ में आया कि यह जो चैप्टर है वो क्या कह रहा है. अब हम उसे स्टार्ट करते हुए देखें तो पेज नंबर 29 में महात्मा गांधी महोदय स्वतंत्र आंदोलन प्रारंभत. यहाँ पे हम देखें तो महात्मा गांधी हैं उन्होंने क्या किया, तो किस महात्मा गांधी महोदय ने स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत की. आगे हम देखें अस्य आंदोलन से निखिलो अपि व्यवहार प्रारंभेषु दिवसेषु साबरमती आश्रमे एव प्राचलत. यहाँ पे हम देखें तो यह जो आंदोलन है कहाँ चल रहा था, तो साबरमती आश्रम में. क्या कह रहे हैं यहाँ पे अस्य आंदोलन से. अब यह जो हमारा आंदोलन है वह कहाँ चल रहा था, तो साबरमती आश्रम में. तभी क्या हो रहा था वहाँ पे सभी जो व्यवहार हैं उसी समय साबरमती आश्रम में ही होते थे. जितने भी स्वतंत्र संग्रामी हैं वह सब कहाँ आते थे, तो साबरमती आश्रम में आते थे. आगे देखें एकस्मिन दिवसे स्वामी सत्यदेव आश्रम अगच्छत. अब एक दिन क्या होता है, जो स्वामी सत्यदेव है वह उस आश्रम में आते हैं. आगच्छन यानी कि आना. सह देशस्य स्वतंत्रार्थ कार्यरतस्य गांधी महोदयस्य कारणेन अतीव प्रभावितः प्रसन्नः चासीत. यहाँ पे जो सत्यदेव स्वामी हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत सारे देश घूम के आए थे. उसी समय एक दिन स्वामी थे वह देश की आज़ादी के लिए
को मिलने के लिए उनके आश्रम में आते हैं। जो देश की आजादी में कार्यमग्न रहते थे कौन थे तो गांधी थे। उनसे इम्प्रेस होके स्वामी सत्यदेव हैं, वह उन्हें मिलने के लिए आते हैं। सह गांधी महोदयात्मक कथया अहम भवतः आश्रमे प्रवेशम निवासम च इच्छामि। अब यहाँ पे जो सत्यदेव हैं वो क्या करते हैं, गांधी जी के साथ उनके आश्रम में वह रहना चाहते थे, वहाँ पे वह प्रवेश करना चाहते थे। देशस्य स्वतंत्रताये कार्य कर्तु ममापि महती इच्छा वर्तते। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये सत्यदेव स्वामी है वो कहते हैं कि देश के लिए, देश की आजादी के लिए मैं आपके साथ कार्य करने की इच्छा रखता हूँ। यह था हमारा पहला पैराग्राफ जो मैंने आपको ट्रांसलेट करके बताया। और एक बार मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊं तो महात्मा गांधी हैं, वह स्वतंत्रता की आंदोलन की शुरुआत कहाँ पे की, तो इस आंदोलन की शुरुआत उन्होंने साबरमती आश्रम से, जहाँ पे क्या है कि वहाँ पे एक दिन स्वामी सत्यदेव ने वहाँ पे आते हैं। स्वामी सत्यदेव क्या करते हैं, उनसे इम्प्रेस होके आते हैं, वह देश की आजादी के लिए गांधी जी के साथ जुड़ना चाहते थे। और गांधी जी से वह बात करते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, तो आपके साथ देश की आजादी के लिए और स्वतंत्रता के लिए मैं कार्य करने की इच्छा रखता हूँ, तो मुझे आपके साथ जुड़ने की इच्छा है। यह था पहला पैराग्राफ जिसके हम हार्ड वर्ड्स देखें, तो स्वातंत्र आंदोलन यानी कि फ्रीडम मूवमेंट, जब फ्रीडम की मूवमेंट करनी थी तभी उस समय जब गांधी जी हैं वह उसकी शुरुआत करते हैं। प्रारंभतः यानी कि स्टार्ट है, प्राचलतः यानी कि बैंड ऑन, प्रभावितः यानी कि इम्प्रेस्ड। अब उनसे प्रभावित होकर कौन आए थे, गांधी जी से प्रभावित होके उन्हें मिलने के लिए कौन आता है, तो सत्यदेव। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। प्रसन्न यानी कि हैप्पी, भवतः यानी कि यू। अब हम देखें तो इसने जो हार्ड वर्ड्स मैंने आपको आगे कराए जो थे पहले पैराग्राफ के, अब हम सेकंड पैराग्राफ देखें। सत्यदेवस्य प्रस्तावं गांधी महोदयः स्वीकृतवान। अब जो सत्यदेव है उसका प्रस्ताव है, गांधी जी क्या करते हैं, गांधी महोदय उसका प्रस्ताव है वह स्वीकार करते हैं। गांधी महोदय अकथयत, इसके पहले मैं आपको रिमाइंड कराऊंगी उनका प्रस्ताव क्या था, तो उनका प्रस्ताव यह था कि वह गांधी जी के साथ फ्रीडम में वह जुड़ना चाहते थे। कौन सी फ्रीडम में, कि हमारे देश को आजादी दिलाने की फ्रीडम में वह उनके साथ जुड़ना चाहते थे। तो यह उसका जो प्रस्ताव था वह गांधी जी स्वीकारते हैं। गांधी महोदय अकथयत, गांधी जी हैं वह उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, साधु स्वागत मत्र भवतः। अब यहाँ पे गांधी जी उसे कहते हैं ठीक है आपका यहाँ पे स्वागत है। आश्रमो अयम भवतः एव, किंतु आश्रम प्रवेशात पूर्व भवतः काषाय वस्त्राणां त्यागः करणीयः। अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि हमारा चैप्टर का मेन हेडिंग है वो यहाँ पे आता है। गांधी जी उसको कहते हैं ठीक है आप अगर हमारे साथ फ्रीडम फाइटिंग में अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको एक काम करना होगा। कौन सा काम, वो कह रहे हैं कि आश्रमो अयम भवतः, अगर आप हमारे आश्रम में जुड़ना चाहते हैं तो किंतु आश्रम प्रवेश के पहले आपको आपके काषाय वस्त्राणां त्यागः करणीयः, जो आपके यह जो भगवे जो कपड़े हैं उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसे आपको छोड़ना पड़ेगा। आश्रम में प्रवेश करने से पहले आपको अपने जो यह भगवा वस्त्र है उनको आपको छोड़ना होगा। आगे हम देखें, गांधी महोदयस्य आदेशं श्रुत्वा आश्चर्यतः स्वामी सत्यदेवः मनसि अपृच्छत। अब हम यहाँ पे देखें तो गांधी जी का यह आदेश सुन के और आश्चर्यतः स्वामी सत्यदेव मनसि अपृच्छत, यानी कि गांधी जी का यह आदेश सुन के जो स्वामी है सत्यदेव वह मन में ही मन में बहुत गुस्सा हो रहे थे। किस बात से हो रहे थे, कि गांधी जी ने उन्हें अपना यह जो भगवा भगवा उनके कपड़े थे उन्हें छोड़ने के लिए बोला, इसलिए वह मन में ही मन में गुस्सा हो रहे थे। पर गांधी जी के सामने नहीं, किस कहाँ हो रहे थे, मन में वह गुस्सा कर रहे थे। आगे हम देखें, किंतु सह गांधी महोदयस्य पूरातः निजरोषं न प्रकटयत सो अकथयत,
यहाँ पे देखें तो गांधी जी का यह आदेश सुन के वह गुस्सा होके गांधी जी से कहते हैं, पर क्यों गांधी जी के आगे अपना रोष प्रकट नहीं करते। वह बहुत ही शांति से वह कहते हैं कि भगवान वस्त्रों का त्याग मुझे क्यों करना है। कासाय वस्त्राणां को अपराधः, जो यह मेरे भगवान वस्त्र है उनका अपराध क्या है कि मुझे आपके साथ जुड़ने के लिए इसका त्याग करना होगा। अहम सन्यासी जनः, सन्यासी सनः कासाय वस्त्राणि परिधानयन्ति, मैं हूँ वह सन्यासी हूँ, तो मैं अपने सन्यासी है वह भगवान वस्त्र का किस तरह से वह त्याग कर सकता है। अहम कासाय वस्त्राणां त्यागं कुर्वतु कथं प्रभु को भवामि, तो मैं भगवान वस्त्र का त्याग करूं फिर ही आप मुझे प्रवेश करने के लिए देंगे, ऐसा है क्या। अब यह थे दो पैराग्राफ, इसके पहले हम इसके हार्ड वर्ड्स देखें तो क्या है यहाँ पे, प्रवेशम यानी कि एंट्री, निवासम यानी कि रेसिडेंस, प्रस्तावम यानी कि प्रपोजल, स्व स्वीकृतवान यानी कि एक्सेप्टेड। अब यहाँ पे जब गांधी जी हैं, एक और बार सेकंड पैराग्राफ का आपका शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, तो जब सत्यदेव हैं वह गांधी जी के सामने क्या करते हैं, तो प्रस्ताव छोड़ते हैं। कौन सा प्रस्ताव छोड़ते हैं, कि उनके साथ जुड़ने का प्रस्ताव छोड़ते हैं। तभी गांधी महोदय हैं उसे क्या कहते हैं, गांधी महोदय हैं वह उसे कहते हैं कि आपको पहले यह जो आपके कपड़े हैं, कौन से कपड़े हैं, तो भगवा कपड़े हैं, उसका आपको त्याग करके बाद में ही आप हमारे आश्रम में एंट्री कर सकते हैं। और सत्यदेव हैं वो मन में बहुत ही गुस्सा हो रहे थे और गांधी जी के सामने बता नहीं रहे थे, तो गांधी जी को बहुत शांति से पूछते हुए कि मैं तो सन्यासी हूँ, मैं किस तरह से ऐसे भगवा कपड़े का मैं त्याग कर सकता हूँ वो मुझे आप बताइए। डियर स्टूडेंट, आज हम यहाँ तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आगे जो स्वामी सत्यदेव हैं और गांधी जी हैं उनके बीच में क्या कन्वर्सेशन होती है। तब तक आप इसे घर पे रिमाइंड करें। थैंक यू वेरी मच।